Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. बच्चों, simple harmonic motion यानी SHM यानी oscillations की सारे concept video पाने के लिए join button पर click करें या फिर इस number पर call करें. A small body of mass 0.1 kg is executing SHM whose amplitude is 1 meter and the period is 0.2 second. छोटा मास है, उसका मैग्नीट्यूड है 0.10 kg. मुझे ये पसंद नहीं है. M is equal to 1/10 kg. ये SHM कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड है 1 meter, 1.0 बोल रहा है, 1.0 बोल रहा है, एंड द पीरियड इज 0.20, टाइम पीरियड इज 0.20 सेकेंड. इतनी चीजें दी हुई है. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स, फोर्स पूछी गई है. अरे भाई F बराबर MA लगा दें, F बराबर MA लगा दें भाई. F जब मैक्स होगा तो A भी मैक्स होगा, ठीक है. अब A मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, A ओमेगा स्क्वायर, जानते हैं या नहीं. लेकिन यार ओमेगा तो हमें यहां पे नहीं दिया गया है, तो क्या करें. लेकिन दिया क्या है ओमेगा, जैसा क्या दिया है, टाइम पीरियड दिया है. हम जानते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T कर सकते हैं या नहीं. तो एम ए ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2π/T का स्क्वायर, ठीक है. अब देखो t पता है रख देंगे, a पता है रख देंगे, m पता है रख देंगे, रख दो सब कुछ. m क्या है, 1/10, a क्या है, खाली 1. 2π का स्क्वायर है तो 4π² लिख दें. टाइम पीरियड कितना है, 0.2 है, 0.2 दो बार आएगा, 0.2 × 0.2. मजा नहीं आ रहा, मजा बिल्कुल नहीं आ रहा. नीचे डिनोमिनेटर में डेसिमल चला आ रहा, 4π² केवल ऊपर, 10 नीचे. 0.2 को लिखो 2 × 10⁻¹. अरे सर और मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा. 2 × 10⁻¹, फिर से −1, ठीक है. चिंता ना करें, चिंता ना करें. आया मजा. अब 10⁻¹ नीचे है, ऊपर चला जाए. F max is equal to 10π². हमारा आंसर तो डेसिमल में आ रहा है. हमने रटाया है, बहुत रटाया है आपको. पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9.86. रख दो यहां पे 10 × 9.86. F max इज इक्वल 98.6 newton. तो बस आंसर हम लोग लाके बैठे हैं. ठीक है, है मजेदार. तो आप लोग कहां से शुरू कर सकते थे, यहां से शुरू कर देंगे, स्कूल का एग्जाम लेने वाला टीचर बेहोश हो जाएगा. लेकिन काम यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है.
if oscillations are performed by means of a spring, then what will be the force constant of the spring? तो हम तो स्प्रिंग पहले ही बना के बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. देखिए दिया क्या है, टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम पीरियड में ही स्प्रिंग कांस्टेंट छुपा हुआ होगा. कैसे? टाइम पर दो पेग रोज मारा कर, ठीक है. टाइम पीरियड कितना दिया हुआ, 0.2, यानी कि 2/10 लिखें, अच्छा होगा. 2π√m, m कितना दिया हुआ है, चलो इस बार 0.1 ही रखना पड़ेगा, k निकालना है. दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया जाए, है ना, ताकि k अपना इज्जत से बाहर आए. 1/100 हो जाएगा स्क्वायर, पाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे हम लोग 0.1/k पे खड़े होंगे. k उस तरफ ले जाओ, 100π² × 0.1, सही है. k इधर ले गए, 100 इधर ले गए, 100 × 0.1 10 होगा. ये भी आ गया 10π². 10π² क्या है, 98.6. और k की वैल्यू किसमें नापी जाती है, न्यूटन पर मीटर. आ गया अपना फोर्स कांस्टेंट. सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ.